अच्छा इक्विलेटर ट्राइंग उठा दो, इक्विलेटर ट्राइंग जो ट्राइंग इंटीरियर एंगल से वो सेट है बराबर जीरो में सेकंड पार्ट हो, जीरो में सेकंड पार्ट ये होता है इंटीरियर एंगल डीपी के एंगल सम जब वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो, इंटीरियर एंगल डीपी के एंगल सम एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर हो। देखिए अगर इंटीरियर एंगल जो केप पे एंगल से हम सेट प्लस सेट तो वो एक्सटीरियर एंगल के 120 के बराबर थी सेकंड जो था जो पे हुआ। ठीक है एक तो ट्राइंगल से करो इक्विलेटर ट्राइंगल पे हो, इक्विलेटर ट्राइंगल और ट्राइंगल हुआ जब जो ट्राइंगल साइड इक्वल हो जाए उनका पोस्ट सारा साइड जो तो ताकि एडिट प्रैक्टिकल फॉर्म टाइम के पर फॉर्म करो को पर ट्राइंगल खाओ पर इक्विलेटर ट्राइंगल और जो स्केलिन ट्राइंगल भी मतलब ये ट्राइंगल साइड के को जो अनइक्वल हो जाए तो असाइनमेंट पेज से करो अनइक्वल ट्राइंगल बना स्केलिन ट्राइंगल बना दो जैसे ऐसा है तो अनइक्वल ट्राइंगल ड्रा करो स्केलिन ट्राइंगल ड्रा करो तो ट्रे डिफरेंट जो सेमी का तक अब नहीं तो कैच भी वन वो ट्रे जो समझ में ट्राई करके वो तक पैक करियो आई वाली साइड पे पेस्ट करियो ट्रे डिफरेंट एंगल्स से वो बना दे डिफरेंट एंगल्स योर सम जैसा सेट हुआ पेरियस आई में थी वो 41 डिग्री थी ये जो डिफरेंट एंगल थी वो 94 डिग्री थी एंड थ्री एंगल थी वो 45 थी गई तो 41 94 एंड 45 का जो एंड था तो वो 180 के बराबर हो गए तो वो प्रूफ हो गया था टाइम के लिए जो ने सेकंड पार्ट यानी कि प्रूफ हो गया कि देखिए इसको सबको प्लस करा तो एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया जो कि इक्वल टू 180 और सिर्फ इन्होंने कुछ नहीं करा यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाए उसके तीनों एंगल काटे ये एंगल काटा ये वाला एंगल निकाला ये वाला एंगल निकाला तीनों को एक साथ प्लस कर दिया देखिए 180 डिग्री इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो गया कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल।